फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्रेन करी बनाएंगे। ब्रेन करी बनाने के लिए मैंने चार ब्रेन लिए हैं और तीन चार बार इसे पानी से अच्छे से धो लिया है। एक पैन में हम पानी गर्म कर लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच हल्दी। फिर हम इसमें ब्रेन डाल देंगे। और इसे 3 मिनट तक पका लेंगे। फिर हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने 5 चम्मच तेल डाला है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। इसे हल्का सा भून लेंगे। अदरक और लहसुन ब्राउन होने पर इसमें हम 3 कटे हुए प्याज डाल देंगे। और इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज ब्राउन होने पर हम इसमें 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, मैंने 1 चम्मच डाला है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इन्हें 1 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें 3 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। और इन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। टमाटर गल गए हैं, मसाला तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ब्रेन जिन्हें हमने छोटा छोटा काट लिया था इसमें डाल देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक हम मसाले के साथ भून लेंगे। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे। और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गैस को स्लो करके हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। बस 5 मिनट बाद ब्रेन करी तैयार है। ब्रेन करी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।